चौबे जी, एक तस्वीर शेयर की है एमपी कांग्रेस ने पीएम मोदी से मुलाकात की, सीएम शिवराज की, जो दूरियां थी दोनों के बीच उसको केंद्र किया है कांग्रेस ने। क्या ये मुद्दा जो पिछले 15 दिनों से कांग्रेस पकड़कर बैठी है अब एक बार फिर ये उछला है कि सरकार बदल गए हैं, सरकार बदलने वाली है, पीएम मोदी और सीएम की दूरियों को उन्होंने अटैक किया इसमें? देखिए, जो चित्र की बात आपने बताई है मैंने देखा, वो कई इस पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा था वो, लेकिन इसका और 15 दिन पहले जो अटकलें और मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे कई चित्र, मैं अखबार की दुनिया में रहा हूँ, ऐसे कई चित्र आते हैं जिनका कुछ भी कैप्शन आप लिख के और आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये मतलब है उसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोविड का एक प्रोटोकॉल शायद पालन हो रहा था उसमें, प्राइम मिनिस्टर का अतिरिक्त पालन हो रहा था वो। और एक दूसरी बात मेरी ये समझ नहीं आती कि बीजेपी की केंद्र सरकार है, बीजेपी की राज्य सरकार है, सफल राज्य सरकार कहते हैं वो बीजेपी की अपनी, तो इसके मुख्यमंत्री को ऐसे दर दर जाके अपनी डिमांड बताने की आवश्यकता शायद नहीं होती है। सौजन्य भेंट करने जाए वो बात अलग है, ठीक है। बीजेपी सरकारों का काम बीजेपी की केंद्र सरकार क्यों नहीं करेगी, मेरे को इसका जवाब चाहिए। और अगर नहीं करेगी तो पार्टी का नुकसान होगा, ऐसा कौन चाहेगा कि सरकार हाथ में और पार्टी का नुकसान करेगा अपना। अगर एमपी की मदद रोक दी जाए या कोई योजना रोक दी जाएगी तो नुकसान तो केंद्र की बीजेपी का भी होगा। तो मुख्यमंत्री को यह भटकने की जरूरत नहीं थी, सौजन्य भेंट करने गए हो बात अलग है, और 15 दिन पहले की जो आप बात कर रहे हैं वो अलग थी, उसको मीडिया के मत्थे थोप देना ठीक नहीं है। अगर प्रेम बढ़ाना था, सद्भाव बढ़ाना था, तो वो केवल यही दिन क्यों चुना गया, और अब आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, आजकल क्यों नहीं हो रही मुलाकातें वो, और आगे मैं 6 महीने बाद भी आपसे पूछूंगा कि मुलाकातें क्यों नहीं हो रही हैं आजकल। तो मेरा ख्याल है कि कुछ तो बातें थी, चाहे वो एक मंत्री की नियुक्ति की बात हो, चाहे एक निगम मंडल नियुक्ति की बात हो, कोई बात नहीं है उसमें, क्या है, बात जरूर थी, पर मीडिया के बाद बातें मत कहिए कि मीडिया ने अनुमान छापे, अटकलें छापी, कुछ नहीं था, कुछ तो था साहब, ये बात कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौबे जी और तिवारी जी। नमस्कार।